गाइस मैं हूं अमित। भाई हम लोगों ने एक बहुत बड़े साइज की पतंग बनाई थी, उसको उड़ाने की कोशिश करी थी और भाई वो जो पतंग है ऊपर तो उठी थी लेकिन पूरी जमीन से ऊपर नहीं उठ पाई थी यार, हद से ज्यादा मॉन्स्टर काइट बनाई थी। तो हमने सोचा कि क्यों ना उस एक्सपेरिमेंट को अब सक्सेसफुल बनाया जाए, यानी कि एक बड़ी पतंग बना करके उड़ाई जाए। तो आइडिया सिंपल था, कुछ ऐसा है कि हम एक बड़ी पतंग बनाएंगे लेकिन हमने जितनी बड़ी पहले बनाई थी उससे थोड़ी सी छोटी होगी साइज में, क्योंकि यार वो जो साइज है ना कुछ ज्यादा ही हो जाता है, उसका साइज बहुत ही ज्यादा बड़ा था। तो हम जो है एक बहुत बड़े साइज की आज पतंग बनाने वाले हैं आपके सामने उड़ा करके टेस्ट करेंगे और देखते हैं कि यार क्या नजारा दिखता है जब इतनी बड़ी पतंग उड़ेगी। और यहां पर एकदम खुला माहौल है ताकि हम बढ़िया से पतंग उड़ा सके। तो फटाफट से शुरू करते हैं। आप लोग इस वीडियो के लिए जो लाइक का बटन है वो जरूर से दबा दीजिए। दोस्तों यहां पर हमको बड़ी पतंग बनाने के लिए बहुत सारे बांस चाहिए और चाहिए इस तरीके की पन्नी, क्योंकि हम बनाएंगे पन्नी की पतंग। तो यहां पर हमारे पास में काफी ज्यादा बड़े साइज की पन्नी और भैया 15 फीट से भी ज्यादा तो इसकी एक साइड है इस पन्नी की, ठीक है, इसको काटना पड़ेगा। तो भाई यहां पर हमने इस पन्नी के दो हिस्से कर लिए हैं और इसकी पतंग बनने वाली पर उठाओ इस साइड से, उधर से दबाओ, देखो इस पन्नी की पतंग बनने वाली और ये हवा में कैसे उड़ रही है। इसका साइज देखो एक बार मेरे हिसाब से देखो, और ये इतनी लंबी है इतनी चौड़ी है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमको सबसे पहले इसको काटना पड़ेगा स्क्वायर फॉर्म में, क्योंकि जो पतंग होती है वो स्क्वायर की बनती है ज्यादातर और एकदम सिंपल शेप है। तो चलो तो गाइज ये जो हमारी पतंग के लिए पन्नी है वो कट चुकी है और इतनी बड़ी जो पतंग है वो बनने वाली है। देखो भाई साहब इसका साइज देखो एक बार, जो पतंग का डायगोनल है वो लगभग 15 फीट का है। तो आप लोग सोच सकते हो 15 फीट की पतंग बनने वाली, और ये नहीं पता ही उड़ेगी या नहीं उड़ेगी लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे। चलो और भाई ये है हमारी इस पतंग की ये वाली डंडी, जो कि आप लोग देख सकते हो हमने दो बांस जोड़ के बनाई है। और ये हाँ अरे हाँ ये इसका हेड है, सॉरी यहाँ पर ये लगेगी कुछ इस तरीके से। और अब जो पतंग की शेप है वो आ रही है और ये जो पन्नी एकदम तन गई है, एकदम खिंच गई है, अब आप देख सकते हो। तो इसको भी अटैच कर देते हैं और पतंग ऑलमोस्ट रेडी हो जाएगी। गाइज पतंग ऑलमोस्ट तैयार है, लेकिन यार एक चीज ऐसी होती है जिसके बिना पतंग पतंग नहीं होती, वो होती है पतंग की पूंछ, जिसको भी पतंग की पूंछड़ी बोलते हैं। तो यहाँ पर हम बनाएंगे इस पतंग की पूंछ और उसके लिए हम इन रिबन्स का यूज करेंगे, ठीक है, कलरफुल रिबन्स है और काफी लंबे लंबे हम इसमें लगा सकते हैं। और गाइज ये वही रिबन है जिससे हमने सबसे लंबी 300 फीट की पतंग की पूंछ बनाई थी काफी पहले। भाई फाइनली जो हमारी बड़े साइज की पतंग है वो तैयार है और यहां पर है। यहां पर आप देख सकते हो चमचमाता हुआ क्रेजी एक्सप्रेस पे लिखा हुआ है और आप साइज का कंपैरिजन कर सकते हो। मैं यहां खड़ा हूं, देखो मेरे हाइट से डबल से भी ये ज्यादा है, आपको साफ साफ दिख ही रही होगी।
और यार अब ये नहीं पता कि इतनी बड़ी पतंग उड़ेगी या नहीं, ये तो टेस्ट करके ही पता लगेगा। और यार ये काफी ज्यादा ड्रैग भी पैदा करती है क्योंकि इसका साइज काफी बड़ा है। बस उम्मीद ये करते हैं कि उड़ते टाइम फट ना जाए, तो अब फटाफट इसको उड़ाने की कोशिश करते हैं। एक बार ऐसे घुमा के दूसरे साइड से आपको दिखाते हैं। इस साइड में जो है हमने मोटे बांस का जो है यूज किया है यहां पर, ताकि ये बढ़िया से इस इतनी बड़ी पन्नी को स्टेबल रख सके। अगर इसमें कमजोर लगा देंगे ना तो वैसे बीच में वो जो है खराब हो जाएगा। लेकिन यहां पर अब ये पतंग उड़ने के लिए तैयार है। एक बार इसको वैसे ही टेस्ट करते हैं हाथ से खींच करके। तो यार इसको उड़ाने के लिए भी हम पता है इस तरीके की मोटी रस्सी का यूज करेंगे, क्योंकि पतली जो हमारी मांजा होता है वगैरह वो तो इसमें कोई काम का नहीं है। उलट लो तो इसको बांधते हैं, और ये रस्सी इतनी ज्यादा मजबूत है इंसान को भी उठा सकती है, और ये मुझे लगता है कि इसको बढ़िया से उठा पाएगी। पतंग में हमने ऑलरेडी डोर बांध ली है, तो यहाँ पर मैं इसको भी बांध देता हूँ। और यार एक बात यहाँ पर बहुत खास मुझे लगेगी इस पतंग की, कि इस पतंग को कोई काट नहीं पाएगा, इतनी मोटी यार ये किससे कटेगी ये। लेकिन यहाँ पर हम ऐसी जगह पर हैं खुले में, कि अगर बाय चांस ये पतंग आउट ऑफ कंट्रोल भी होती है तो कोई किसी को दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि अगर इसको छत से उड़ाएंगे तो ये प्रॉब्लम कर सकती है। तो मैंने इसको बांध दिया है। अब एक काम करेंगे यार, हवा भी नहीं है आज, तो इसको खींचना पड़ेगा तभी ये हवा में ऊपर उड़ सकती है, ताकि भागेंगे और क्या करेंगे। तो भाई खींचेंगे इन 3 2 1, उठाना तुम, चलो पकड़ो। ओ तेरी, अरे तुमने छोड़ा क्यों नहीं? अबे यार एक साइड से छोड़ ही नहीं रहे तो नहीं, उसको दोनों लोग जब खींचे ना तो ऊपर जाने दिया करो, दोबारा उठाओ। गाइस जो पतंग हवा में आई थी, पता है पतंग हवा में आई है और खूब ऊपर आई है। खूब का मतलब यार इतनी ऊपर आई है। लेकिन यार कुछ नहीं से तो कुछ अच्छा है। तो यार इतनी बड़े साइज को हम लोग अच्छे से खींच नहीं पा रहे हैं। एक काम करते हैं, इस पर ट्रैक्टर बांधते हैं, ट्रैक्टर इसको बढ़िया से खींच पाएगा, क्योंकि हवा बिल्कुल नहीं है यार, और ये बड़ी प्रॉब्लम है। बिना हवा के इतनी बड़ी पतंग उड़ाना इम्पॉसिबल है। गाइस ट्रैक्टर से खींचेंगे इस बार इसको, पर इतना करते हैं। चल रहा हूं भाई, 3 2 1। जो पतंग है वो ट्रैक्टर की मदद से पूरी हवा में उड़ी थी, लगभग जो है 10-1 फीट ऊपर पतंग उड़ रही थी। लेकिन यार जो पतंग है वो पूरी ऊपर नहीं उठ पाई, एकदम ऊपर, मुझे लगता है स्पीड में थोड़ी कमी थी और पतंग एक साइड झुक गई। लेकिन यार जो कुछ भी था काफी मस्त था। काम करे वापस से ले चले क्या? सही है। ओ तेरी यार, अरे इस पे टेप लगानी पड़ेगी पहले। भाई जो पतंग है वो यार ऊपर से फट गई, पानी में गिर गई जाके। भाई साहब जो पतंग है वो हवा में काफी ऊंचाई तक गई है।
ये जो इतने बड़े साइज की पतंग है भाई साहब, क्या मस्त हवा में उड़ती है। और यार बस कमी रह गई तो सिर्फ और सिर्फ हवा की, लेकिन हमने कमी रहने नहीं दी। जो ट्रैक्टर है उसने हवा का वही काम किया, क्योंकि या तो हवा चलती है या हम पतंग को लेके खींच रहे हैं, तो पतंग के हिसाब से जो हवा है वो चल रही है। इसको नहीं पता है कि मुझे ट्रैक्टर खींच रहा है या हवा मुझे धक्का दे रही है, इसके लिए एक ही बात है। तो यहाँ पर यार इतनी बड़ी जो पतंग है वो क्या मस्त तरीके से उड़ती है। तो गाइस मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को भी मजा आया होगा ये जो 15 फीट की पतंग है इसको उड़ता देखने में। तो अगर आपको आया मजा तो वीडियो में लाइक जरूर से कर देना, नहीं अगर आपको वीडियो में मजा आया तो लाइक जरूर से कर देना, चैनल को कर लो सब्सक्राइब ऐसी और मजेदार वीडियोस के लिए। और भाई आपका भाई ऐसी मजेदार वीडियोस बनाता रहता है यार, थोड़ा सपोर्ट करो यार, चैनल को कर लो सब्सक्राइब कर लो और वो बेल आइकन भी दबा लो, ठीक है, आपके लिए करते हैं सारी चीज, तो आपको भी थोड़ा सपोर्ट दीजिए। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।